सो हे गाइस, कैसे हो? आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक 25 फीट बाय 30 फीट का छोटा सा हाउस प्लान, लेकिन ये एक कंप्लीट पैकेज है और ये हाउस प्लान वास्तुशास्त्र के गाइडलाइंस के हिसाब से रखा है मैंने, जिससे ये प्लान और भी बेहतर हो जाता है। इस हाउस प्लान में आपको पार्किंग, गार्डन प्लस 2 बेडरूम, किचन, लिविंग एंड ड्राइंग और बहुत कुछ है, और जो भी आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो बने रहो वीडियो के अंत तक। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा गाइस। अगर आपको ये हाउस प्लान अच्छा लगे तो आप इसके थ्रू ही आप अपना घर बनवा सकते हो। अगर ये हाउस प्लान आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ भाई लोग, ये हाउस प्लान आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो एक आइडिया तो ज़रूर दे के जाएगा, इतना मैं गारंटेड कह सकता हूँ। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि जो मेरे भाई लोग आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर का चार्ज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको मेरे वीडियोस के थ्रू कुछ हेल्प मिल सके, इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो में मैंने कॉलम साइज, डोर साइज, वेंटिलेशन साइज, बीम साइज, मतलब आपको इस चैनल पे घर से रिलेटेड फुल डिटेल्स मिलेगा। तो अभी मैं यहाँ पे स्टेयर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद से ऑलमोस्ट ये प्लान कंप्लीट ही हो चुका है। इसके बाद से हम कलर करेंगे एंड कलर करने के बाद से आपको इस हाउस प्लान का फुल डायमेंशन आपके साथ शेयर करूँगा। स्टेयर का राइजर आपको 5 इंच का रखना है एंड ट्रेड इसका 10 इंच का, तो ये अच्छा होगा। अगर आपको आइडिया हो तो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। अब देखिए, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। वेंटिलेशन, विंडो साइज, ये सब अच्छे से दिखेगा और एंड आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें आपको वॉल साइज रखना है 5 इंच का, यानी 125 mm का, जिससे आपको वेस्टेज कम होगा। ये मैं आपको आपके साथ मैंने शो कर दिया है, यहाँ पे विंडो, वेंटिलेशन, यहाँ पे OTS है, और ये विंडो मतलब जिससे आपको समझने में आसानी होगी एंड और कुछ नहीं है। तो चलिए अब मैं आपके साथ इसका डायमेंशन शो करता हूँ। ये अपना मेन डोर है एंड तो देखिए, सबसे पहले अपना ये मेन गेट, उसके बाद से एंटर करेंगे अपने पार्किंग एरिया में, जिसका साइज मैंने रखा है 5 feet 8 inch by 16 feet 4 inch का। उसके बाद से अपना ये एक छोटा सा गार्डन यहाँ पे मैंने रखा है, जिसका साइज मैंने रखा है 5 feet 8 inch by 8 feet का। उसके बाद से अपना ये डाइनिंग कम लिविंग, जिसका साइज मैंने रखा है 13 फीट बाय 14 फीट का। आप आराम से यहाँ पे डाइनिंग कम लिविंग रख सकते हो अपना। उसके बाद से यहाँ से स्टेयर अपना अप 3 फीट वाइड स्टेयर रखा है मैंने यहाँ पे, एंड उसके बाद से अपना ये बेडरूम साइज तो थोड़ा छोटा है, लेकिन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना। 9 feet 8 inch by 10 feet का रखा है। उसके बाद से ये अटैच्ड बाथ कम लैट्रिन 6 feet 8 inch by 3 feet का रखा है, एंड दिस इज और OTS, जिससे इस रूम में एंड घर में लाइटनिंग बनी रहेगी। दिस इज और सेकेंड बेडरूम, जिसका साइज मैंने रखा है 11 feet by 10 feet का, एंड दिस इज कॉमन बाथ कम लैट्रिन, जिसका साइज मैंने रखा है 6 feet by 4 feet का, एंड दिस इज और वॉश एरिया 3 feet by 5 feet का रखा है यहाँ। उसके वहाँ से आप उसको खाली रखिए, छत मत डालिए, वहाँ से OTS आपके घर में लाइटनिंग बनी रहेगी बेडरूम में एंड किचन एरिया में। तो ये वॉश अपना किचन एरिया से अटैच्ड है, किचन से अटैच्ड है। किचन का साइज मैंने रखा है
7 फीट 8 इंच बाई 10 फीट का। सो यही है, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ जिससे आपके हाउस कंस्ट्रक्शन में बहुत हेल्पफुल होंगे एंड लाखों रुपए बचाएंगे। तो कॉलम साइज अपने रखना है 10x12 इंच का, 16mm का टूर फोन नंबर यूज़ करना है, एंड बिल्डिंग कॉस्ट आपको 10-12 लाख डिपेंड करता है आपके क्वालिटी एंड क्वांटिटी के ऊपर। डोर साइज आपको रखना है 3 फीट 6 इंच x 7 फीट का, एंड टॉयलेट डोर साइज 2 फीट 6 इंच x 7 फीट का। सो यही है आज का प्लान गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए हाउस प्लान के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू, जय हिंद।